घाटी गांव हसनापुर नगरी में चल रहे पंचकालिक महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार गर्भ कल्याण के उत्तर रूप की क्रियाएं हुई। इसमें मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसन सागर महाराज एवं मुनि श्री विश्व साम्य सागर महाराज के सानिध्य में सुबह अभिषेक के साथ दोपहर में माता की गोद भराई प्रतिमाओं को आकार शुद्धि और महाराजा विश्वसेन का राज दरबार आकर्षण के मुख्य केंद्र रहे। हसनापुर नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पंचकल्याण के विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। पंचकल्याण के मौसम में उपाध्याय श्री बिशन सागर महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने मन को पावन करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, भगवान के गुणगान गाता है। हम प्रभु की भक्ति अनेक प्रकार से करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, स्तोत्र पाठ पढ़कर प्रभु को स्मरण आदि करके इंसान प्रभु की भक्ति करता है। आत्मा को, मन को, स्वयं को पावन बनाने के लिए प्रभु की आराधना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रोज सुबह उठकर नियम से प्रभु भक्ति एवं गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। उपाध्याय श्री के चरणों का पाद प्रचलन दिलीप अजीत जैन एवं बालिकाओं द्वारा शास्त्र भेंट किया गया। उपाध्याय श्री के चरणों में आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश जैन, मंत्री राकेश जैन, मुख्य संयोजक दिलीप जैन, अजीत कुमार जैन, राजेन जैन, सुरेश चंद जैन, मासूम जैन, कौशल चंद जैन आदि ने श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। आयोजन के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि जब हसनापुर नगरी के लोगों को खबर मिली कि माता के गर्भ में तीर्थंकर बालक का आगमन हुआ है तो पूरी हसनापुर में खुशी छा गई। इसके बाद महिला संगीत के साथ इंद्र इंद्राणियों ने, समाजजनों ने मेवा, फल, मिठाई आदि से भगवान की माता एरा की गोद भराई की। इसके बाद अखंड सौभाग्यवती महिलाओं ने प्रतिष्ठित होने आई प्रतिमाओं को हल्दी, केसर, सर्वौषधि लेपों से शुद्धि विधि संस्कार किया। रात में हसनापुर नगरी में महाराजा विश्वसेन का दरबार सजाया गया। महाकर महाराज को माता द्वारा देखे गए 16 सपनों का फल बताया। इसके बाद 56 कुमारियों ने झूमते गाते हुए माता एरा की सेवा के साथ उपहार भेंट कर उनसे कुछ प्रश्न किए। परम स्वयं पीढ़ियां निकल जाए उसके बाद तुम्हें पांचों कल्याणक मिलेंगे। बहुत नसीब वाले हो घाटी गांव वालों कि तुमने सिर पर चढ़ाया, मुनि मिल गए, पंडित जी मिल गए और छठ मंगनी पट ब्याह किया और पंचकणक पूरे पांचों दिन देख लो। बहुत पुणात्मा जी हो। चतुर्थ काल में जन्म लेते मनोज भाई तो एक कल्याणक के बाद दूसरा देख नहीं पाते और दूसरा देख लेते तो तीसरा नहीं देख पाते। बिरले जीव होते हैं जो पांचों कल्याणक अपने नसीब और किस्मत से देख लें। इस प्रांगण में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड में फोटो नाम छपा, कहीं गिर गए, टूट गए, फूट गए, लग गई चोट, नहीं आए। कुछ ऐसे भी होंगे जो घर में आराम से सो रहे। हो गया क्या पंचगणा? बोले हो गया, लो टीका करो, हमारा सम्मान करो। कुछ होंगे पर आप लोग पुणात्मा जीव हो, भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो जो हर क्रिया अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। ये पंच कल्याणक ही हमारी आत्मा के कल्याणक में निहित बनेगा। आज नहीं समझ में आता, जब रात के सोगे ना सपने में यही चीज दिखेगी, यही चीज दिखेगी। और जब कोरोना काल चल रहा था तो जो व्यक्ति उस बेड पर लेटा था तो उसने अगर 2-4-10 पंचकणक कर रखे होंगे या उसमें सम्मिलित हुआ होगा या सौदन कुबेर यज्ञायक बना होगा या ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लाभतर कापिस शुक्र बना होगा तो वो सब चीजें उस समय याद आती है जब आपकी सारी चीजें छूट जाती हैं। अकेलेपन पर बीमार पड़ते हो या किसी प्रकार से लाचार होते तो वो सब चीज याद आती है और वही चीज याद आई और तुम्हारा मरण हो गया तो नियमित तुम स्वर्ग जाओगे। इसीलिए इस चीजों में रमो, इसमें उतरो, इसमें और आनंद लो। सौदर मिंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक, ईशान, सानत कुमार, यश कुमारियां आनंद मना रही हैं। जितने आप अपनी शादी में नृत्य नहीं करते ना उसे कहीं ज्यादा भगवान की भक्ति में नाचना चाहिए। यहां नाचोगे
तो कर्मों की निजरा को पाओगे। Gracias.